गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं चिराग दारूवाला। आज नए साल की शुरुआत हो रही है, पहला दिन है। मैं आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नया साल आपके जीवन में उन्नति लेकर आए, तरक्की लेकर आए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आज का दिन यानी कि 1 जनवरी 2024 का यह दिन आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ भविष्य के लिए कुछ योजनाएं भी बना सकते हैं। आप यह समझ लीजिए कि आज के दिन अगर आप कोई भी प्रकार का निवेश करते हैं तो आने वाले समय में उसका आपको लाभ बेहतरीन मिलेगा। आपको अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखनी होगी, अन्यथा यह आपके लिए वाद विवाद का कारण बन सकती है, जिससे आप चिंतित भी रह सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य से कोई अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिलेगी। वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा। आप अपने जीवन साथी को शॉपिंग पर ले जा सकते हैं। आप अपने बच्चों की शिक्षा में आ रही समस्याओं के संबंध में अपने किसी वरिष्ठ सदस्य से भी सलाह लेंगे। कारोबार में अचानक धन लाभ होने से खुश होंगे, लेकिन आपके कुछ कानूनी काम आपको परेशान कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी अधिकारी के पास भी जाना पड़ सकता है। मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं कि राजनीति में काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें कोई नया पद सौंपा जा सकता है। यदि आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज है तो आप उसे चुकाने में काफी हद तक सफल रहेंगे और राहत की सांस लेंगे। आपको कारोबार से जुड़ी किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है और यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को अपने आसपास के शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि वे उनके बारे में चुगली कर सकते हैं। कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा। आप अपने कुछ बढ़े हुए खर्चों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। यदि आप किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलते हैं तो आपको अपनी वाणी की मधुरता बनाए रखनी होगी, न कि पुराने गड्ढे में मुद्दे उखाड़ने में आप रहें। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों ने अगर अभी तक अपने पार्टनर को प्रपोज नहीं किया है तो आज के दिन आप जरूर से करें, अच्छे परिणाम सुनने को मिलेंगे। सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नतापूर्वक रहेगा। आपके परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसमें परिवार के सदस्यों का आना जाना लगेगा। आप यह समझ लीजिए कि आपको किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपको धोखा दे सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कि आज आपको किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको अपने बच्चों के करियर को लेकर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको उनके शिक्षकों से भी बात करनी होगी। विदेश जाना चाहते हैं, आज के दिन प्लानिंग करिए, अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आपने साझेदारी में कोई व्यापार किया है तो वह आपको अच्छा खासा लाभ दे सकता है। नौकरी में प्रमोशन मिलने से आप खुश होंगे। तुला राशि। गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए परेशानियां भरा हो सकता है। किसी बात को लेकर आपका मन परेशान रहेगा और काम में मन नहीं लगे। यदि कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको धैर्य रखना है, अन्यथा आपके शत्रु इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप परिवार के किसी सदस्य के जन्मदिन पर उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी का भी आयोजन कर सकते हैं। वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का दिन हो सकता है। सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के कार्यों की सराहना होगी, जिससे उनका सम्मान बढ़ेगा और उन्हें कुछ सार्वजनिक बैठकों को करने का मौका मिलेगा। परिवार के किसी सदस्य के विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, जिससे
परीक्षा में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। धनु राशि, गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए अत्यंत फलदायक रहेगा। आपका काफी समय से रुका हुआ कोई काम पूरा होगा और किसी कानूनी मामले में भी आपकी जीत होती नजर आ रही है, जिससे आपका आत्मविश्वास गहरा होगा। माता पिता को कोई भी प्रकार की तकलीफ हो रही हो तो आपको ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है। नौकरी पेशा लोग मन मुताबिक काम मिलने से खुश रहेंगे। मकर राशि, गणेश जी कहते हैं कि आज के दिन विपरीत परिस्थितियों में भी आपके मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका अपने मित्रों पर विश्वास बढ़ेगा। लेकिन आज सुबह से ही आपको एक के बाद एक से एक अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। आपके जीवन साथी को कोई शारीरिक समस्या भी हो सकती है, जिससे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वाहन चलाते समय सावधान रहें और चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुंभ राशि, गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है। यदि आप किसी नए काम में निवेश करते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले वो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों को आज उम्मीद से ज्यादा मुनाफा होगा और आप खुश होंगे। मीन राशि, गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए भागदौड़ भरा रह सकता है और भागदौड़ व्यर्थ भी जा सकती है। आप अपने किसी काम को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहेंगे, जिसके लिए आपको इधर उधर लोगों से मिलने जाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। आप यह समझ लीजिए कि माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, आपके लिए बेहतर होगा कोई भी नया कार्य कामकाज शुरू करने से पहले। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, नई ऑफर भी आपको मिल सकती है, पर आपको पुरानी नौकरी पर ही टिके रहना आपके लिए बेहतर होगा। आज का दिन आपके लिए जबरदस्त रहेगा। श्री गणेशाय नमः।